वार्म ग्रीटिंग फ्रेंड्स, सी ए फाइनल ओवर सिलेबस इनडायरेक्ट टैक्स का मई 19 एग्जाम का सॉल्यूशन कर रहे हैं, सॉल्यूशन 3B जो वैल्यूएशन रूल्स से रिलेटेड है। मैं सी एस के अग्रवाल, जीएसटी ट्रेनर एंड कंसल्टेंट, आईसीआई एंड आईसीएसआई टैक्स फैकल्टी। हम लोग सी ए फाइनल के वीडियो क्लासेस, बुक्स एंड एमसीक्यू बेचते हैं। हमारी वेबसाइट में आपको लिंक मिलेगा, व्हाट्सअप में आप क्वेरी कर सकते हैं। हम लोग दो बुक वीडियो क्लासेस के साथ देते हैं, ये बुक्स आप अलग से भी खरीद सकते हैं। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 में कस्टम्स एंड फॉरेन ट्रेड पॉलिसी करीब करीब 700 पेज की बुक है। ये फास्ट ट्रैक क्विक रिवीजन इनकम टैक्स जो पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसे खरीद सकते हैं पीडीएफ में। क्वेश्चन 3B 4 मार्क्स का, इसमें देखिए देव इंटरप्राइजेस जो विमल को कुछ कूलर बेच रहा है 2,95,000 इंक्लूसिव जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, और विमल 10,000 रुपये का कुछ सामान भी दे रहा है एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो इसको अगर हमने राउंड में इस तरह से प्रेजेंट कर दिया, देव 2,50,000 प्लस 45,000, 2,95,000 का सामान वाटर कूलर विमल को दे रहा है, लेकिन देव 10,000 का सामान भी ले रहा है। तो यानी कि विमल जो इसको दे रहा है 10,000 प्लस कुछ कैश दे रहा है। इसके बाद जो लिखा हुआ है कि देव इंटरप्राइजेज हैज सप्लाइड द सेम गुड्स टू अनदर पर्सन एट द प्राइस ऑफ दिस, लेकिन वो किसी और को भी थर्ड पर्सन को 2,52,000 प्लस जीएसटी इतने रुपए में सप्लाई कर रहा है। आपको निकालना है वैल्यू जिसके ऊपर जीएसटी देव चार्ज करेगा। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल है तो ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल कितना है, 2,97,360, तो ये आंसर आएगा। अगर ओपन मार्केट वैल्यू अवेलेबल यानी कि 2,52,000 प्लस दिस, तो यहाँ पर हमने आंसर बी में ये लिख दिया। ओपन मार्केट वैल्यू अगर अवेलेबल नहीं है तो दिस 2,50,000 प्लस 10,000, तो ये हमने लिख दिया 2,60,000। तो इस तरह से आंसर हमने निकाल दिया, और ये शायद स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है, यही रूल्स में भी दिया हुआ है, रूल्स के एग्जांपल्स में। और हमारे हिसाब से ये गलत भी है, और सिर्फ मेरे हिसाब से नहीं, पूरी इंडस्ट्री ये मानती है कि ये गलत है। ये रूल 27 का पार्ट है ही नहीं। क्यों नहीं है वो मैं दिखलाता हूँ। और जितने भी बड़े लॉ फर्म हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म हैं, वो कहते हैं कि रूल 27 तभी लगेगा। आइए मैं पढ़ाता हूँ। तो रूल 27 का पहला लाइन पढ़ते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस वेयर द कंसिडरेशन नॉट होली इन मनी। नॉट होली इन मनी का मतलब ये होता है कि पार्टली इन मनी, पार्टली इन वो सब नहीं लिखा हुआ। नॉट होली इन मनी का मतलब ये पूरी तरह से कैश में नहीं है, यानी कि ये पूरी तरह से बार्टर है, किसी चीज के बदले कोई चीज दे रहे हैं आप, तभी रूल 27 एप्लीकेबल होगा, वरना नहीं होगा। ऐसा मैक्सिमम लॉ फर्म, टॉप लॉ फर्म्स मानते हैं, मैक्सिमम और टॉप चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म भी मानते हैं। लेकिन जब आप ये एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ देखिए वही सेम एग्जांपल ने लिखा है कि लैपटॉप हमने 40,000 रुपये का दिया और एक्सचेंज में हमने कोई 4,000 रुपये की चीज ली, तो टोटल कर दिया 40 + 4, 44,000, जो इंडस्ट्री मान नहीं रही है। और मैं आपको, ये टैक्समैन की बुक है, द फर्स्ट इलस्ट्रेशन वो सेम एग्जाम्पल है, द फर्स्ट इलस्ट्रेशन इज करेक्ट बट सेकेंड इलस्ट्रेशन डज नॉट अपीयर टू बी करेक्ट एज इट इज नॉट फुल बार्टर। ये हमारी बुक नहीं है, टैक्समैन की बुक है, तो हमने आपको दिखला भी दिया है। लेकिन फिलहाल आपको जो मैंने आंसर बताया है वही ICAI आपके लिए मानेगा, लेकिन इंडस्ट्री में जब जाएंगे तो चीज़ें बहुत सारी चेंज होती हैं, तो वहाँ पर आंसर कुछ अलग आएगा। तो फिलहाल आपको मार्क्स लाने के लिए तो जो आपने आंसर हमें हमने आपको बताया वही सही है।